तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो अपनी देखी होगी कि हम लोगों ने आगरा घूमने आए हुए थे और हम लोगों ने आगरा को घूम लिया है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले घूमने गए थे ताजमहल, और ताजमहल के घूमने के बाद हम लोग रेड फोर्ट, और अब रेड फोर्ट को घूमने के बाद हम लोग निकल चुके हैं वृंदावन जाने के लिए। और अभी जो है प्रेजेंट में हम लोग आगरा में ही हैं, ऑलमोस्ट हम लोग बाईपास वाले एरिया में आ चुके हैं आगरा के। तो दोस्तों, हम लोगों ने सोचा हुआ था कि हम लोग करीब करीब दोपहर में 3 बजे तक हम लोग वृंदावन पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं और अभी हम लोग आगरा से निकले हुए हैं और अभी हम लोगों ने लंच भी नहीं किया हुआ है। तो अभी कहीं रुककर और पहले लंच करेंगे, फिर वृंदावन के लिए निकलेंगे। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 6 साढ़े 6 बज जाएगा हम लोगों को वृंदावन पहुँचते पहुँचते, और देखते हैं कितना जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि होटल ले लें। और होटल को लेने के बाद जो हम लोगों ने रात में प्लेसेस घूमने का डिसाइड किया हुआ था वो प्लेसेस कवर कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1-2 प्लेसेस के अलावा ज़्यादा प्लेसेस हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, ये जय गुरुदेव जी का मंदिर है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है ये मंदिर। आप अगर मथुरा आते हैं तो यहाँ पर घूमने ज़रूर आएँ, काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये मंदिर और हाईवे से लगा ही हुआ है ये मंदिर। तो दोस्तों, हम लोग जो है वो वृंदावन के बाईपास वाले एरिया में आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग अब लेफ्ट मुड़ेंगे और यहाँ पे ओवर ब्रिज है, उसके नीचे से राइट मुड़कर और एक छोटा सा विलेज है, उसके थ्रू हम लोग वृंदावन निकल जाएंगे। यहाँ से जो वृंदावन का अब जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर का रह जाता है, और इसके आगे से भी 4 लाइन गई हुई है वृंदावन जाने के लिए, लेकिन ये गांव के अंदर से गया हुआ एक शॉर्टकट है। तो आप अगर यहां से आते हैं, लेकिन मेरी बात मानिएगा, तो आप 4 व्हीलर से जब भी आते हैं तो इस रोड का यूज़ ना करें, क्योंकि इतना अच्छा रोड तो नहीं है। हाँ, 2 व्हीलर से आप ईज़िली निकल जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों, हम लोग जो है वो वृंदावन पहुँच चुके हैं और काफ़ी देर से हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं, तो हम लोगों को होटल मिल ही नहीं रहा है। सारी जगह जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर फुल बता रहे हैं कि वहाँ पर रूम ऑलमोस्ट फुल हो गए हैं। तो आप जब भी आते हैं तो यहाँ एडवांस बुकिंग कराकर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ रूम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और अभी भी हम लोग देख ही रहे हैं रूम की कहीं ना कहीं मिल जाए शायद रात भर के लिए। तो दोस्तों, बड़ी ही मुश्किल के बाद हम लोगों को यहाँ पर रूम मिला। ये जो आप आश्रम देख रहे हैं, हम लोगों ने यहीं पर रूम दिया है, जिसके लिए हम लोगों ने रात भर के लिए 800 रुपये पे किए हुए हैं। और ये आप रूम की कंडीशन देख सकते हैं, ऑलमोस्ट रात भर गुजारने के लिए इतना रूम ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी ही मुश्किल के बाद हम लोगों को रूम मिला था। तो दोस्तों, हम लोग अपने रूम में बैग रखकर और प्रेम मंदिर जाने के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को रूम ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। ऑलमोस्ट 7:30 बज गए हैं रात के, और 8:30 बजे प्रेम मंदिर बंद हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा है कि सबसे पहले हम लोग इस्कॉन टेम्पल जाएंगे और इस्कॉन टेम्पल को घूमने के बाद हम लोग प्रेम मंदिर जाएंगे। तो ये जो आप सामने हम लोग वॉकिंग करके जा रहे हैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर, और ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं ये इस्कॉन टेम्पल है, और जल्द से जल्द हम लोग इसको घूमेंगे, उसके बाद प्रेम मंदिर के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है इस्कॉन टेम्पल। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मंदिर के अंदर घुमाता हूँ। तो दोस्तों, आप यहां से भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहां पर भीड़ है। पास से दर्शन होना तो नामुमकिन जैसे हो गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहां पर।
दोस्तों इस्कॉन टेम्पल में जो सीढ़ी बनी हुई है आप वहां पर भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है घूमने के लिए जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उससे अच्छा आप नीचे साइड ही घूमें तो ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों इस्कॉन टेम्पल में घूमने के लिए बस इतना ही था। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेम मंदिर घुमाऊंगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।